पवित्र हिंदू ग्रंथ श्री रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में गुरुवार को हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। उन्होंने उज्जैन तिराहे पर मौर्य का पुतला फूंक दिया। हालांकि इससे पहले फायर ब्रिगेड ने पानी की बौछार कर दी, जिससे हंगामा हो गया। दरअसल दोपहर में उज्जैन तिराहे पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला लेकर पहुंचे थे। यहां नारेबाजी करते हुए उन्होंने पुतलों को डंडों से जमकर पीटा। इसी बीच वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर दी, जिससे पुतला गीला हो गया। इससे हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने दमकल कर्मियों को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान दमकल के ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई और उस पर डंडे भी बरसाए गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर दमकल को मौके से रवाना किया। इसके बाद बमुश्किल अधजले पुतले को छोड़कर कार्यकर्ता नगर निगम जाने लगे, लेकिन उन्हें रास्ते में दूसरी दमकल मिली तो वहां भी हंगामा हो गया। पुलिस ने यहां भी हस्तक्षेप कर फायर ब्रिगेड को रवाना किया। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को पुतले पर पानी डालने का आदेश किसने दिया, इसकी जांच की मांग की। इसके बाद कार्यकर्ता रवाना हो गए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया है, जिन्होंने हमारा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान किया था, और आज भगवान श्री राम नहीं, हम पुतला जलाने आए थे, लेकिन उसको जलने नहीं दिया क्योंकि हिंदू है ही नहीं और हिंदू संस्कृति में जलाया जाता है, ये गड़ने लायक ही व्यक्ति था, इसलिए उसको जला नहीं पाया हम। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने पानी डाल दिया था जैसे ही जलाया, लेकिन वो पानी की गलती उसकी नहीं थी, ईश्वर ने इसको सबूत दी कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है, इसलिए इसको जलाना उचित नहीं है, इसको गाड़ना ही चाहिए।